सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 10.2 एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है? यूजिंग सिंपल आलर्स मेथड सॉल्व फॉर वाई एट एक्स इक्वल्स टू 0.1। डी वाई अपॉन डी एक्स हमें गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, वाई नॉट इक्वल्स टू 1, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच इक्वल्स टू हमें मिला है 0.025। ठीक है, हाइट हमारे पास 0.025 है, इसके तहत हमें इसको सॉल्व करना है। हमारा जनरल फार्मूला क्या है? वाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, ये होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला वाई डैश, इसको हम वाई डैश भी कह सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब एक डेरिवेटिव। ठीक है, तो वाई डैश इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई है। वाई वन के लिए हम क्या करते हैं? वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, वाई नॉट हमारा सेम है 1 जो हमें गिवन है। ठीक है, प्लस एच हमें क्या गिवन है 0.025 और फंक्शन हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो एक्स हमें क्या गिवन है? एक्स नॉट हमारे पास क्या है? 0 है। 1 वाई नॉट हमारे पास क्या है? 1 है। एक्स नॉट 0, वाई नॉट 1। ठीक है, इनको सॉल्व किया हमने, हमारे पास वाई वन आ गया 1.025। ठीक है, इसी तरीके से वाई टू ढूंढ रहे हैं, वाई वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वन कामा वाई वन होता है हमारे पास। तो एक्स वन हमारे को यहाँ से ढूंढना है, एक्स नॉट प्लस एच होता है, एक्स नॉट हमारे पास 0 है और हाइट हमारे पास 0.025 है। तो ये हमें मिल गया एक्स वन 0.025, इसी में पुट कर रहे हैं वैल्यू, वाई वन की जगह 1.025। ठीक है, एच हमारे पास 0.025 है, एक्स वन हमारे पास है 0.025 और वाई वन हमारे पास जो अभी ढूंढा है 1.025 है और एक्स 0.025 और वाई वन 1.025। इसी मतलब इक्वेशन में फंक्शन में पुट कर रहे हैं एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, तो वाई टू हमें मिल रहा है 1.0519। ठीक है, वाई थ्री हम ढूंढ रहे हैं, वाई टू प्लस एच एफ ऑफ एक्स टू कमा वाई टू। वाई एक्स टू चाहिए तो एक्स टू यहाँ से ढूंढ लेते हैं, एक्स वन प्लस एच होता है, एक्स वन हमारे पास 0.025 है और एच हमारे पास 0.025 है, तो टोटल ये 0.05 हो गया हमारा। इसमें पुट कर रहे हैं, वाई टू की जगह हम क्या है 1.0519 पुट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस एच की जगह 0.025 और एक्स, ये फंक्शन एक्स क्या है 0.05 और वाई 0.0519 है। ठीक है, और एक्स वाई 0.05 और 0.0519 है हमारा। इसको सॉल्व किया तो वाई थ्री हमें मिल गया 1.0545। ठीक है, इसी तरीके से वाई फोर ढूंढ रहे हम, क्या है वाई फोर? वाई थ्री प्लस एच एफ ऑफ एक्स थ्री कमा वाई थ्री। ठीक है, तो एक्स थ्री अभी ढूंढ रहे हैं, क्या है एक्स टू प्लस एच, एक्स टू हमारे पास क्या है 0.05 है और एच हमारे पास है 0.025। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया हमने, सम किया तो 0.075 आ गया हमारा। ठीक है, तो वाई फोर में इसमें पुट करें, वाई थ्री हमारे पास क्या है 1.0545 जो अभी ढूंढा है 1.0545। ठीक है, एच हमारे पास 0.025 है और एक्स फंक्शन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई हमने किया। ठीक है, वाई फोर हमारे पास क्या मिल गया 1.0847 इनको सॉल्व करने के बाद। इसी तरीके से वाई फाइव के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स वाई फोर प्लस एच एफ ऑफ एक्स फोर वाई फोर। तो एक्स फोर हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, एक्स फोर इज इक्वल्स टू क्या है हमारा एक्स थ्री प्लस एच, एक्स थ्री हमारा 0.075 है, एच हमारे पास है 0.025 तो 0.1 हो गया। क्वेश्चन भी हमें क्या कह रहा था? यूजिंग सिंपल आलर्स मेथड सॉल्व फॉर वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू 0.1। तो यहाँ पर हम एक्स 0.1 आ गई हमारी, मतलब 0.1 एक्स यहाँ तक आ गई है। ठीक है, एक्स फोर में तो यहाँ तक हमारे आइटेशन कितनी चल गई है? वाई फाइव हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसमें एक्स फोर ढूंढ रहे हैं, एक्स फोर पुट कर रहे हैं तभी वाई फाइव मिल रही है। ठीक है, और वाई फोर भी, तो सिंपली हम क्या करें वाई फाइव के लिए? वाई फोर 1.08547। ठीक है, और एच हमारे पास 0.025 है, एक्स 0.1, वाई 1.0847, एक्स वाई 0.1 और 1.0847। इनको सॉल्व करने के बाद वाई फाइव हमारे पास मिल रही है 1.1170। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 10.2 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थैंक यू गाइस।